मिलेगा तो। अरे सर आप आएंगे और ऐसा हो। अरे भाई बीच में जब बोले ना मिलने वाला, कुछ पीछे कंफ्यूजन चल रही थी, मैंने बोला भाई शायद है नहीं है, वो गलती से बोल रही हो। टाइम पड़ा वैसा होता है सर अवार्ड। खुशी है कि बेस्ट आइकॉनिक प्रोडक्शन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सारी ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा और आईएमपी की टीम की तरफ से, शिवानी मैं और रंजीत जी हमारे जो बिजनेस हेड है, जो फाइनेंस है, जिनकी वजह से हमारी सब महीने का पहले कर पूरा मैं रोलिंग होती है। हम तीनों ने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया विद फुल ह्यूमिलिटी एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम। ओके राजन जी, मेरा सवाल आपसे है, जब आप लोग जो को इतना प्यार देते हैं, जब लोग को इतना सराहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है कि जब इतना अच्छा अवार्ड मिलता है। आई थिंक एक शो का अधिक सफलता मिलना, आई थिंक एक अच्छी टीम जब साथ में आती है तो आपका काम एक्चुअली बहुत कम हो जाता है। बट अभी ये रिश्ता के भी ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो जाएंगी और अनुपमा के भी अभी, सो आई थिंक एक अच्छी टीम जब आती है तो अच्छी टीम जब मेहनत करती है, अच्छी जब कास्ट होती है, लोग साथ मिलते हैं, तो आपका काम बहुत कम हो जाता है। एक राइट डायरेक्शन में हम लोग मूव करें एंड यू नो मेंटेन दैट क्वालिटी दैट लेवल इन टुडे स्टैंड। जिस तरीके से सर ने बताया आप क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे नहीं लगता हम नहीं और एक बिजनेस हेड के बीच में ये जब राजन सर जब साथ में होते हैं तो सब काम ईजी हो जाता है और जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सब ईजीली निकल जाता है, क्योंकि जब मेंटर इतना अच्छा हो और जितना क्लियर हो उनके विजन्स तो ईजी हो जाते हैं। थैंक यू गाइस।